अनानसी और बुद्धिमता का घड़ा। एक समय की बात है जब मनुष्यता ने अभी तक अग्नि और पहिए का आविष्कार नहीं किया था। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक इंसानी स्वर्गदूत रहता था जिसका नाम था अनानसी। अनानसी आकाश के बलवान राजा न्यामे का बेटा था। अनानसी हमेशा बहुत उत्सुक रहता और नई चीजों को सीखना उसे बहुत पसंद था। इस पर उसके पिता ने गौर किया, जिसने ये फैसला किया कि आखिर वो समय आ गया है कि उसे बुद्धिमता के घड़े का उपहार दिया जाए। अनानसी, मेरे बेटे, ज्ञान के लिए तुम्हारी खोज ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें बुद्धिमता का घड़ा उपहार में दूं। वाह! ये घड़ा तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा, पर याद रखना कि अच्छी बुद्धिमता के साथ एक ही काम करना होता है कि इसे आगे बढ़ाओ। अनानसी, जो इस घड़े से सम्मोहित हो गया था, उसने पूरी बात नहीं सुनी। धन्यवाद पिताजी, मैं इस घड़े को सुरक्षित रखूंगा और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करूंगा। जैसे जैसे समय गुजरता गया, अनानसी ने उस बुद्धिमता के घड़े से हर दिन कुछ नया सीखा। वो हर बार कुछ नया रचना चाहता था। देखिए मैंने क्या बनाया है पिताजी। बढ़िया, मुझे तुम पर गर्व है बेटे। तुम ये धारणा गाँव वालों से क्यों नहीं बांटते? इसे साझा करूं? बिल्कुल नहीं, ये मेरी रचना है और मेरे सिवाय इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसने न्यामे को चिंतित कर दिया, पर उसने कुछ ना कहने की ठानी और इसे समय पर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद अनानसी ने सीखा कि आग कैसे जलाते हैं। वो बहुत खुश हो गया और उसने एक कौवे को भेजा अपने पिता को ये कहते हुए कि वो उसके तंबू में आए। जब न्यामे आया, वो आग को देखकर बहुत खुश हुआ। पिताजी, अभी मैंने आग उत्पन्न की है तंबू के अंदर। मुझे अंधेरे में जीने की आवश्यकता नहीं है और न ही ठंड महसूस करने की। मैं अपने शरीर को रोशनी और गर्माई से भर दूंगा। न्यामे गर्व से मुस्कुराया। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुमने कैसी उपलब्धि हासिल की है बेटा। ये खोज मानवता को एक अलग स्तर पर ले जाएगी। तुम्हें तुरंत ही इसे लोगों से साझा करना होगा। पिताजी, ये केवल मैं हूँ जो प्रयास कर रहा है खोज और आविष्कार करने का। आप सोचते हैं कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करूंगा इस गांव के आलसी इंसानों के साथ जो अपने संघर्ष के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं? न्यामे अनानसी के शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने जान लिया कि वो अब चुप नहीं रह सकता। अनानसी, मैं बहुत खुश था कि बुद्धिमता के घड़े के लिए सही स्वामी मेरा बेटा निकला है। हालांकि मैंने अब जान लिया है कि मुझसे गलती हुई है। कृपया वो घड़ा लौटा दो। मैं किसी और को तलाशूंगा जो संसार के साथ अपनी बुद्धिमता बांटने को राजी हो। इसने अनानसी को बहुत क्रोधित कर दिया। वो तुरंत खड़ा हो गया और कहा, पिताजी, मैंने घड़े को ऐसी जगह छिपाया है जिसे आप कभी नहीं ढूंढ सकते। ये हमारे गांव से बहुत दूर है। न्यामे ने कुछ देर सोचा और कहा, अनानसी, तुम इंसानों के बीच रहने के काबिल नहीं हो। तुरंत चले जाओ और तभी वापस आना जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। और जहाँ तक घड़े का सवाल है, मैं इसे देर सवेर ढूंढ ही लूंगा। ये कहकर न्यामे हवा में गायब हो गया। मेरे पिताजी कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि इंसानों को इस घड़े का हक बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं इसे घने जंगल में कहीं छिपा दूं जहां कभी कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। अनानसी ने छिपाई हुई जगह से घड़ा लिया और घर से चला गया। इस बुद्धिमत्ता का हकदार मैं हूँ और मुझे इससे पीछे नहीं हटना है। अनानसी घने जंगल में दूर चला गया। उसने घड़े को छिपाने के लिए जगह जगह तलाश की, पर उसे कोई सही उचित जगह नहीं मिली और जल्दी वो बहुत थक गया और प्यासा था। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी कहाँ मिलेगा? क्या वो एक नदी है? हाँ, मीठा ठंडा पानी, यहाँ मैं पानी पी सकता हूँ। ठीक है, मैं ओ, 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 ओ। नदी का किनारा बहुत ढलान और फिसलन से भरा था और अनानसी को बहुत असहाय महसूस हुआ। उसे डर था कि बुद्धिमता का घड़ा उसके हाथों से गिर जाएगा और टूट जाएगा। मैं वहाँ कैसे पहुँचूं? ये बहुत ही कठिन है। तभी अनानसी ने पानी में छपाक की आवाज सुनी। उसने एक तरफ देखा और देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। वो बच्चा एक बेल खींच रहा था जो एक पत्तों से बने घड़े से बंधी थी।
नदी से पानी निकालने के लिए। धीरे से उसने पानी से भरे घड़ों को नदी से बाहर निकाला और उसे अनानसी को दिया। अनानसी बहुत खुश हुआ और एक ही क्षण में पानी गटक लिया क्योंकि वो बहुत प्यासा था। धन्यवाद नन्हे बच्चे। कुकु। अनानसी ने अपना सिर पीछे घुमाया। दिलचस्प है। खैर, एक बार फिर धन्यवाद। मुझे अब जाना होगा। कुकु। कोई बात नहीं। अनानसी मुड़ा और चलने लगा। कुछ देर के बाद उसने ये जाना कि वो छोटा बच्चा उसके पीछे आ रहा है। अनानसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कुकु। नहीं, नहीं, गुगु, तुम्हें अपने कबीले में वापस जाना चाहिए। कुकु। अनानसी ने आह भरी और चलना जारी रखा। छोटा बच्चा पीछा करता रहा। तुम एक बहुत ही तकलीफ दे नन्हे मानव लग रहे हो। वो चलते गए जब तक कि एक बहुत बड़ा वृक्ष नजर नहीं आया। वृक्ष की अनगिनत टहनियाँ थीं जो सभी दिशाओं में फैली हुई थीं। वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी थीं कि ये उस बुद्धिमता के घड़े को छिपाने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान लगा। ये सही जगह लगती है मेरे इस बेशकीमती घड़े को छिपाने के लिए। अनानसी ने उस पर चढ़ने का फैसला किया। उसने एक हाथ से घड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से पेड़ को पकड़ने की कोशिश की, पर वो नीचे फिसलता रहा और उसे डर था कि कहीं वो घड़ा गिरा न दे। वो नन्हा बच्चा हालांकि बहुत खुश हो रहा था। अब क्या हुआ? अनानसी मुड़ा और उसने देखा कि वो बच्चा एक बेल को थामे है, बिल्कुल पेड़ के बगल में। उसने घड़े की तरफ इशारा किया और उस बेल में एक गांठ बांधी। अनानसी बहुत खुश हुआ। ये दरअसल काम करेगा। वो पेड़ की तरफ गया, एक बेल तोड़ी और बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसने सुझाव दिया था। फिर उसने चढ़ना शुरू किया जबकि छोटा बच्चा देख रहा था। अनानसी बहुत ऊपर चढ़ गया पेड़ के सबसे ऊंचे भाग पर। ओह, आखिरकार बुद्धिमत्ता के घड़े को रखने की ये सबसे अच्छी जगह है। कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा, यहाँ तक कि वो नन्हा मनुष्य भी नहीं। अनानसी ने वहाँ नीचे देखा और देखा कि छोटा बच्चा रेत का पहाड़ बना रहा है और रेत पर रेखाएं बना रहा है नदी का चित्र बनाने के लिए। अनानसी लड़के को घूरता रहा। उसने ये जाना कि उसकी इस पूरी कठिन यात्रा के दौरान वो घड़ा था जिसने उसकी मदद नहीं की थी, पर उस नन्हे बालक ने की थी। वो शर्मिंदा हुआ कि उसने कैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया था। अगर ये छोटा मानव बिना बुद्धिमत्ता के घड़े के इतना बुद्धिमान है तो मैं सोचता हूँ की पूरी मानव जाति क्या कुछ करने की क्षमता रखती होगी। उन्हें तो बस थोड़ी प्रेरणा की आवश्यकता है, कुछ बुद्धिमत्ता साझा करने की। अनानसी ने घड़े की ओर देखा और अंत में अपना फैसला किया। अच्छी बुद्धिमत्ता के साथ सबसे अच्छा यही किया जा सकता है कि उसे आगे बढ़ाया जाए। हाँ, यही तो पिताजी ने कहा था। अनानसी पेड़ से नीचे आया और घड़े को नदी में फेंक दिया। नदी की तेज धारा ने उसे तोड़ दिया और उससे सारी बुद्धिमत्ता बह गई, गांव की दिशा में जाती हुई। छोटा बच्चा उलझन में पड़ गया। कुकु। हाँ, जानता हूँ। चलो, अब तुम्हें घर ले चलता हूँ। और इस तरह अनानसी वो मानव स्वर्गदूत अंत में तैयार हो गया मानवता का शिक्षक बनने के लिए। उसने उन्हें सिखाया कि आग कैसे जलाते हैं, पहिया कैसे बनाते हैं और कृषि के तरीके भी सिखाए। उसने सबकी मदद की, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई। इस बीच वो ज्ञान और बुद्धिमता जो बुद्धिमता के घड़े से बहकर तितर बितर हो गई थी पूरी दुनिया में फैली लोगों के बीच, उनमें से बहुतों को बनाते हुए और अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी, और उन्हें तैयार किया कि वो धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएं। अनानसी का धन्यवाद। ज्ञान भ्रमण करता है दूर दराज तक अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें सिखाते हुए। यही कारण है कि संसार के किसी भी व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है, और इसीलिए जब हम विचारों की अदला बदली करते हैं तो हम ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यदि सबके पास सारा ज्ञान हो या एक ही व्यक्ति के पास सारा ज्ञान हो तो संसार कभी भी विकास नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जैसे एक कैंडल को दूसरे कैंडल से जलाने पर उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसी तरह ज्ञान बांटने से बढ़ता है, संचित करने से नहीं। कुकु।